हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, वर्गमूल और उसके बाद में मैंने आपको बताया था घनमूल निकालना, मैंने आप लोगों को बताए थे। आज हम लोग इसको देख रहे हैं बोर्ड मास को। आज हम लोग इस बोर्ड मास के नियम को देखते हैं, क्योंकि बोर्ड मास के नियम को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर आप सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अलग अलग पैटर्न के मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा। चलिए, चलो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर बोर्ड मास लिखा हुआ है BODMAS। यहाँ पर अगर मैं B के बारे में बात करूँ तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक इसका मतलब होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सबसे पहले यदि हम लोग ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा बार। इसको हम लोग जो ये निशान लगा हुआ है यहाँ पर, जो ये साइन है यहाँ पर, ये जो साइन है इसे हम लोग बोलते हैं बार। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बार कहते हैं। इसके बाद में ये जो ब्रैकेट लगाया हुआ है मैंने, इसे बोलते हैं सबसे छोटा ब्रैकेट। इसे बोलते हैं हम लोग सबसे छोटा ब्रैकेट, बोलते हैं हम लोग इसे स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, ये जो लगा हुआ है यहां पर, ये होता है भाई स्मॉल ब्रैकेट। इसे बोलते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि सबसे छोटे कोष्टक को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। फिर इसके बाद में ये लगा हुआ है ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग इसे। यानी कि सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, इसे बोलते हैं मीडियम ब्रैकेट हम लोग बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये तो हो गया सबसे छोटा ब्रैकेट, और ये वाला हो गया कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को हम लोग मध्यम ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। फिर सबसे बड़ा जो ब्रैकेट होता है इसमें, वो ये वाला होता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट यही होता है, इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोष्टक की बात करूं तो सबसे पहले ये वाला कोष्टक को सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर ये वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में स्क्वायर वाले को सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कोष्टक ये आएंगे अपने, और इन तीनों से भी पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों से भी पहले हमें बार को सॉल्व करना पड़ता है। इस बार के बाद में सबसे पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, फिर मैं यहां पर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, उसके बाद में मैं स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। इतनी बात जब आपको समझ में आ गई है, फिर आप देखो ओ लिखा हुआ है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ यहां पर क्या लिखा है? का। हिंदी में हम इस ओ को, हम लोग ऑफ को हम लोग क्या बोलते हैं? का बोलते हैं। मतलब इसका गुणा ही होता है, और कोई इसका अलग मीनिंग नहीं होता है। इसका मतलब आप क्या मानो? गुणा। ठीक है, यहां पर डी दे के रखा है मुझे, तो डी होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है यहां पर आप भाग के बारे में, जब आप भाग के बारे में बात करते हो तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है जब आप लोग गुणा करने के बारे में बात करते हो, तब हम लोग उसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जब आप कोई चीज को क्या करते हो? जोड़ते हो, तो इसका मतलब होता है भाई जोड़ना किसी भी चीज को। आप इतना ध्यान रख लो, ए का मतलब एडिशन, यानी कि जब आप प्लस करोगे। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। जब आप किसी चीज को घटाओगे तब आपको ये साइन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इतनी सी बात जब आपको समझ में आ गई है तो इसके आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लो तब तक। ठीक है, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से जरा नोट कर लीजिए और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इन्हें सॉल्व करके बताता हूँ। चलो देखो, ये दिखने में बड़े सरल लगते हैं, दिखने में सरल है। कई बार हो सकता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें सॉल्व करना आती हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार इनकी प्रैक्टिस हम लोगों को बहुत अच्छे से करनी होती है। एक छोटी सी गलती हम लोगों का सवाल गलत करवा देती है। ठीक है, ध्यान से देखो, इस छः का भाग लगाया हुआ है किससे? दो से। और यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? सबसे छोटा ब्रैकेट लगाया हुआ है यहाँ पर। कितना दिया है ब्रैकेट के अंदर? तीन प्लस एक दे के रखा है मुझे। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? बोर्ड मास का नियम यहाँ पर काम आएगा। बी ओ डी और क्या लगाएंगे? एम ए एस। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बात ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट वाली बात आई है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर ओ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। डी का मतलब यहाँ पर डिवीजन, यानी कि भाग होता है। एम का मतलब हो गया गुणा। ए का मतलब होता है जोड़ना। एस का मतलब होता है घटाना।
ठीक है, इतनी बात आपको आ गई समझ में। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बीच में बस गुणा का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। तो करूँगा क्या मैं इसे सॉल्व करने के लिए, ये मैंने लिखा है यहाँ पर 6 के बाद में यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, 2 और 3 और 1 कितना होता है यहाँ पर 4 होता है। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूँ? अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा ना तो ये गलत हो जाएगा। मुझे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 6 लगाया मैंने यहाँ पर, भाग देना है मुझे किसका, 4 का, और 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 दुनी कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/4 मेरा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 6, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 6 के बाद में डिवाइड का साइन है, भाग का साइन है यहाँ पर, बराबर इसके यहाँ पर डिवाइड के बाद क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। तो मैं करूँगा यहाँ पर क्या, ये अब ध्यान से देखो, बीच में मुझे गुणा का साइन है, लेकिन वहाँ बीच में कोई गुणा का साइन नहीं था, ठीक है, यहाँ मुझे साइन दे के रखा है मुझे यहाँ पर गुणा का साइन। तो अगर साइन मुझे यहाँ पर चिन्ह मुझे अगर दे के रखा है गुणा का, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा। तो यदि मैं 6 में 2 का भाग लगाता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इसके बाद में क्या है, गुणा है, और 3+1 दे के रखा है, यानी कि 3 और 1 4, 4 दिया कितना आ जाएगा, 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, जब चिन्ह नहीं हो, बीच में कोई भी साइन नहीं हो और सीधे ब्रैकेट लगा हो, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो और फिर भाग दे दो। लेकिन यदि कोई चिन्ह मुझे दे के रखा है, कोई साइन मुझे यहाँ दे के रखा है गुणा का भाग का, तो पहले हम लोग इसको ही सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इसके बाद देखो, ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बीच में साइन दे के रखा है मुझे गुणा का, यानी कि इन दोनों को सॉल्व कर लो। 19 का अगर मैं यहाँ पर भाग लगाऊंगा तो 19 से कितने 9 टाइम कटेगा, और 9 × 7 कितने होता है, 63 होता है, बस ये 63 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले हम लोग अभी 5 मिनट के वीडियो जो मैंने 5 मिनट पहले आप लोगों को बताया था, उसे बैक करके देखना। मैंने वहां पर बताया था सबसे पहले हम लोग बार सॉल्व करते हैं, इस बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ऑफ सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे, फिर घटाने वाले चीज को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऑफ जो होता है ना, ये होता एक तरह से गुणा ही है, होता एक तरह से ये गुणा ही है, ध्यान रखना। अगर मैं ध्यान से इस क्वेश्चन को देखूं तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 × 1/3 लिख दूंगा, ऐसा कैसा, 15 और 11, इसे 15 और 11 पहले मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 9 और 8, अगर बार लगा हुआ है तो बार के नीचे जो भी मुझे संख्या दे के रखी है उसको ऐसा का ऐसा जोड़ लो। अगर यहाँ पे जोड़ वाला साइन है तो 9 और 7 कितना होगा, 17 हो जाएगा यहाँ पर। 9 8 कितना होता है, 17 होता है, 17 को लिख दो। उसके बाद में 15 और 11 कितना होगा यहाँ पर, 15 और 11 होगा यहाँ पर 26। तो फिर यहाँ पर क्या लिख दो, 26 को लिख दो। फिर यहाँ पर किसको लिख दो, 26 को। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, 40 का गुणा मुझे किस में करना है, 1/3 में मुझे यहाँ पर ये करना है। 26 में से मैंने 17 को माइनस किया, यहाँ कितना आ जाएगा, 9, यानी कि कितना बचा है, 9। आप इसे 3 से 3 टाइम काटोगे तो यानी कि 40 दिया कितना हो गया, 120 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसको देखो, फिर यहाँ पर 45 का भाग लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो 45 को लिखो ऐसे। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बार को सॉल्व करना है हमें, तो बार को सॉल्व मैं करूँगा तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका भाग यहाँ दिया ही है 13, और यहाँ पर क्या दिया है, 13 का गुणा 5 में क्या है, 13 × 5 कितना होता है, 65 होता है, और यहाँ माइनस किया हुआ है, बस अगली स्टेप में आपका आंसर आ जाना चाहिए। 45 का भाग लगा दिया मैंने यहाँ पर, और 65 यहाँ पर मुझे ऐसा कैसा लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं, फिर इस ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर किसका नंबर आता है, भाग का। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व कर दो, यहाँ पर माइनस है, 5 का भाग मैं 5 में दूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो 45 ये कितना हो जाएगा, ये 45 का भाग यदि मैंने लगाया तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैं क्या करूंगा, इस 64 को नीचे ले जाऊंगा इसके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 45/64 आ जाएगा आपका आंसर। तो 45/64 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूँ आप लोगों को, तब तक इसको जल्दी से आप नोट कर लो। चलो भाई, जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो और इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो,
ऐसे बहुत बहुत सारे पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के कि 360 लिख दिया, फिर डिवाइड 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 डिवाइड, हर बार भाग लगाया हुआ है सामने वाले ने। ठीक है, एग्जाम में हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगाना है कि एक एक करके सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करते कैसे उसका तरीका देख लो। हम लोग इसे क्या करते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट की ओर जाते हैं, यानी कि यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं हम इसे, और कहां तक जाएंगे, आगे तक हम लोग यहां पे सॉल्व करते करते जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, एक के डिवाइड में ले आते हैं, एक के भाग में पांच ले आएंगे, फिर इसको सॉल्व करके फिर छह के भाग में ये ले आएंगे। ये गलत तरीका होता है। सही तरीका इसका क्या होता है सॉल्व करने का, इसका जो सही तरीका होता है सॉल्व करने का, यहां से उस साइड जाया जाता है सॉल्व करते करते। मतलब जैसे मैंने यहां पर लिखा 360 का मैं यहां पर क्या करूंगा, भाग लगा दूंगा, किसमें लगा दूंगा, 36 में, और फिर आप क्या लिख दोगे, 6 फिर भाग 1 फिर यहां पे भाग किसका लगा दूंगा, 5 में मैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 360 से मैं इसको काटूंगा कितना बचेगा, 10, इस 10 में मैं क्या करूंगा, फिर 6 का लगा दिया भाग, फिर लगाऊंगा यहां पर डिवाइड, फिर 1 फिर भाग, फिर यहां पे 5। अब मुझे यहां पर क्या करना है, 10/6 मेरे पास जैसे ही यहाँ पर आएगा, तो 10/6 यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, तो गुणा यहाँ पर जो भाग में लिखा हुआ 1, इसको फिर नीचे लेकर आप आओगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 10/6 के गुणा 1 में हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ आएगा, इसमें गुणा होगा, फिर भाग कितना दिया है मुझे यहाँ पर, 5 का दिया हुआ है, बस अब कुछ भी नहीं करना, सॉल्व हो गया। 10/6 इंटू फिर ये वाला क्या होगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये 5 यहाँ पर हो जाएगा, 5 से कितने टाइम, 2 टाइम, और 2 से हो जाएगा 6, कटेगा 1/3, तो 1/3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। लेकिन इतना बड़ा, इतना हम लोगों को टाइम लग रहा है, एक 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 स्टेप को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है। इसको करने का जो सही तरीका है ना, वो भी आप देख सकते हो, यानी कि इसमें तो हम लोगों को क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है सॉल्व करते में, कि एक 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 स्टेप को करेंगे, एग्जाम में इतना टाइम हमें लेना नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको पता है कि ये जो संख्या है और ये जितनी भी संख्या है हर बार नीचे आती चली जा रही है, हर बार भाग होता चला जा रहा है, तो क्यों ना मैं इस संख्या में इन सारी की सारी संख्याओं का क्या कर दूंगा, भाग लगा दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही तरीका ये होता है, 36 का गुणा कर दो किसमें, 6 में, और फिर यहां पर ले आओ 1, और फिर यहां पर क्या ले आओगे, 5, बस यही हमें करना है। 36 से इसको काटूंगा तो 10 हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से 3 कटेगा तो 1/3 हो जाएगा, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी सारी स्टेप से हम लोगों को बचना है, एग्जाम में टाइम कम होता है, सिंप्लीफिकेशन सिखाया ही इसलिए जाता है ताकि आप वहां पे 30 सेकंड या 36 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैंने अभी अभी एक तरीका देखा है कि पहली संख्या को रखे रहो, बाकी सारी संख्याएं नीचे आती चली जाएंगी, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, 80 लिखा है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं नीचे लाऊंगा, इसे भी यहां पर क्या करूंगा, भाग में यहाँ पर नीचे लिख दूंगा, इसको भी लिख दूंगा, और ये भी दिया हुआ है मुझे, इसको भी मैं लिख दूंगा। तो करना क्या है, 16 का गुणा कर दो, कितना दिया है, 8 दे के रखा है, ये 8 हो जाएगा, फिर किसमें, 4 में, और किसमें, 2 में, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 से 5 टाइम काटोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 5, 8 × 16 16 × 4 जा कितने होते हैं, 64, 16 × 4 कितने होते हैं, 64 होते हैं, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, 475 के बाद क्या लिखा हुआ है, भाग 25 का गुणा फिर किसमें, 7 में, प्लस 38 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 71, कितना देके रखा है, बराबर में 71 देके रखा है। जरा ध्यान से सॉल्व करो, यहां पर साइन देके रखा है, कोई ना कोई चिन्ह है, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का भाग मैं इसमें लगाऊंगा तो कितने टाइम कटेगा, 19 टाइम कटेगा, और उसका गुणा मैं किसमें करूंगा, 7 में करूंगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 38 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना देके रखा है मुझे, 71 यहाँ पर मुझे ये देके रखा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, 19 का गुणा मैं 7 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 133 होता है, 133, और इसमें मुझे क्या जोड़ना है, 38 में जोड़ देता हूँ उसमें, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 38, और माइनस का वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अब 8 और 3 कितना हो गया, जरा ध्यान से देखो, 8 और 3 हो गया 11 का, 1 लगेगा, ये 3 और 3 6, और ये कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना देके रखा, 171। अब ध्यान से देखो, 171 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 71, 71 इधर लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, जगह नहीं है यहाँ पर, मन में कर लो कैलकुलेशन, 71
वाई का स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, वाई का स्क्वायर को यदि मैं उस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो बराबर में प्लस का वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इधर लेकर आऊंगा तो 71 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का देके रखा है 71, तो इस साइड लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 171 में से 71 को आप माइनस करोगे कितना बचेगा, 100 बचेगा। और 100 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बता दो, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10 होता है, यानी कि वाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देख लो उसे। चलो इसके बाद देखो ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन मुझे जो देख के रखा है, 50 का भाग लगा है 1/5 में, 15 + 16 9, 8 आठ और आठ ही देख के रखा है। कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पर, 1/5 को यहाँ ले जाओ आप यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में 15 और 11, सबसे पहले मुझे क्या करना है, बार को सॉल्व करना है। जब मैं बार को सॉल्व करूंगा तो 8 और 8 कितना होता है, 16 हो जाएगा। 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 होता है 17। 17 में से 16 को माइनस करूंगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि इतना पूरा सॉल्व करने पर मेरा 1 आ गया है, 1 आया है यहाँ पर। 15 और 11 कितने होते हैं, 26। 26 में से मैंने 1 को, बीच में माइनस का साइन है, 26 में से मैंने 1 को घटाया कितना बचेगा, 25। यानी कि सारा इतना पूरा के पूरा सॉल्व करने पर मुझे कितना मिला है, 25 मिला है। बस कुछ भी नहीं बचा, 50 का भाग किस में लगा है, 1/5 में, और ये कितना देके रखा है, 25। तो पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करोगे, भाग नहीं लगाना है हमें, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या करूंगा मैं, इस 5 का इस 5 को इस 5 से मैं काटूंगा। 5 को मैंने 25 से कितने टाइम काटा, 5 टाइम काटा, बस आंसर कितना आ गया, 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से ऐसा नोट कर लो फटाफट, फिर इसके बाद में और मैं क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। चलो देखो सारा ध्यान से, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 156 भाग लगा हुआ है किससे, 13 से, और प्लस अब देखो ये क्यूब रूट देके रखा है, घनमूल निकालना है मुझे इसका, यानी कि घनमूल वाले वीडियो को आप अच्छे से देख लो, कैसे बताया था मैंने, कैसे निकलवाए थे, ध्यान से देख लो आपका निकल जाएगा। वैसे भी 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, और माइनस का 12 का गुणा किस में, 15 में, और बराबर y माइनस कितना देके रखा है, 8 का क्यूब। सॉल्व कर लो इसे, एक काम करो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो, 13 का 126 में मैं भाग लगा देता हूँ, तो 13 एकम 13 होता है, 13 दूनी कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, 13 एकम 13 और 13 दूनी कितना होगा, 26 होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या देके रखा है, यहाँ पर लास्ट में 3 देके रखा है, मुझे पता है इसका कितना होता है, 27 होता है। आपको आप लोग याद कर लेना या फिर वीडियो में देख लेना मैंने क्या तरीका बताया था आपको। ठीक है, तो 12 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा भाई 27। ठीक है, 27 और माइनस कितना है, 12 इंटू 15 होता है भाई 180, 12 इंटू 15 कितना होता है, 180, और बराबर में y माइनस 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 27 और 12 को मैं जोड़ूंगा तो 27 + 10 = 37, 37 में 2 और जोड़ दूंगा तो यहाँ बचेगा 39 कि ठीक है 39। अब 39 में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 39 और उसके बाद चलो और बता देता हूँ, और एक आध स्टेप बता देता हूँ मैं ताकि ढंग से सीख सको। अब एक बात ध्यान से देखो, ये 512 को मैं इस साइड लेकर आऊंगा। ठीक है, तो 512 और 39 को यदि मैं जोड़ दूंगा, 512 में यदि मैं 39 जोड़ूंगा तो 11 और ये बचेगा 5 और ये बचेगा 541। 551 मेरा बच रहा है यहाँ पर, कितना बचा है, 551, यानी कि 551 बच रहा है। इस 551 में से मुझे किसको घटाना है, 180 को, बराबर कितना आ जाएगा, वाई घटा दो इसमें से कितना बचेगा, तो मेरा आंसर जो है यहाँ पर, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आ जाएगा 1 में से 0 एक बच गया, 5 में से 8 यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे, 7 बचेगा यहाँ पर, 7 एक यहाँ लगेगा तो कितना बचेगा, 471 आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो बड़े आसानी से इसको हम लोगों ने निकाल लिया, 471 आ गया। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 87 दिखने में बड़े खतरनाक लग रहे हैं ये, दाढ़ी मूछ है इन क्वेश्चंस की। ठीक है, दिखने में बड़े खतरनाक लग रहे हैं लेकिन है नहीं है इतने खतरनाक। चलो देखो क्या करेंगे इसे सॉल्व, सबसे पहले सबसे बड़ा कोष्टक है ये, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग। अच्छा, इससे छोटा हमारा कौन सा होता है, इससे जो एक लेवल नीचे होता है ना, छोटा होता है, वो कर्ली ब्रैकेट होता है। इसको हम लोग ध्यान से देखो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। जब 7 में इसका भाग लगाऊंगा तो कितना बचेगा, 7। ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कि 7 में मैं गुणा कर दूंगा इस 7 का, तो 7 × 7 कितना होता है, 49 होता है। यानी कि इतना पूरा सॉल्व करने पर मेरा 49 आ गया,
फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन के इधर का मैं सॉल्व कर लेता हूं, यानी कि मुझे देके रखा 63 का गुणा किसमें, 7 में, ठीक है, 63 का गुणा किसमें, 7 में, और ब्रैकेट के अंदर की पूरी संख्या कितनी आई है, 49 आई है, यानी कि इसको काट देता हूं मैं 7 से 7 टाइम, 7 से काट दूंगा 9 टाइम, यानी कि इतना यहां से लेकर यहां तक सॉल्व करते करते मैं कितने पर आ गया, 9 पर आ गया, कितने पर आ गया मैं, 9 पर आ गया। चलो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की मेरी पूरी संख्या कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक का आंसर मेरा 9 आ गया, फिर मुझे क्या करना है, 100 ऑफ देके रखा है। अच्छा, ऑफ का मतलब आप समझ चुके हो क्या होता है, गुणा होता है, यानी कि 1/2 मैंने लिख दिया है फिर 5, ठीक है, फिर मैंने क्या लिख दिया, प्लस, और यहां पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, सीधी सी बात है। अब आपका इतना बचा हुआ है क्वेश्चन, यानी कि 5 से, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 87, और भाग में लिखा हुआ है 5 से काटूंगा तो यहां पे हो जाएगा 20, 20 और 9 कितने होते हैं, 29, यानी कि इतना पूरा सॉल्व करने के बाद में मेरा कितना आ गया, 29 आ गया। अब जैसे ही मेरा 29 आया तो 29 में मैं इसका भाग लगा दूंगा, तो 9 3 27 होते हैं, यानी कि ये 3 से कट जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, 29 3 कितने हो जाएंगे, देखो इसको 29 मत मानो, ऐसे 30 मान लो, ठीक है, 30 का तो आपको पढ़ा आता होगा ना, तो 30 का गुणा 30 का गुणा 3 में करोगे तो 90 हो जाएगा, 90। अब यहाँ पर क्या है, 3 में गुणा किया था मैंने यहाँ पर, तो 29 में 30 में 3 का गुणा करने पर 90 आ गया, तो 29 में 3 का गुणा करने पर कितना आएगा, माइनस का 3 कर दो 90 में से, आ गया 87, आ गया आंसर। चलो अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 24 प्लस 36 माइनस 8 का गुणा कर रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट दे के रखा है, ध्यान से देख लो ब्रैकेट है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 13 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा सॉल्व करने पर, 2 बचेगा। अब देखो जरा 20 यहाँ पर क्या दिया है, 20 माइनस 5, भाग लगा हुआ है किसका, 2 का, और गुणा में कितना दिया है, 2 दिया हुआ है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 20 माइनस 5, और ये भाग, अगर भाग लगा हुआ है यहाँ पर तो इसको मैं कहाँ ले आऊंगा, नीचे ले आऊंगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो इस 2 से 2 को काट दो, 20 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 20 में से 5 जाएगा तो अपने पास 15 बचेगा, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं इतना पूरा सॉल्व करने पर कितना बच रहा है मेरा, 15 बच रहा है, ठीक है, 15 बच रहा है। 24 प्लस और ब्रैकेट में कितना देके रखा है, 36 माइनस 8 का गुणा इस 15 में करूंगा मैं, क्यों करूंगा, क्योंकि ब्रैकेट देके रखा है मुझे, और ब्रैकेट वाली चीजों को पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है, 36 में से 8 मत माइनस कर देना, तो 15 का 8 में यदि मैं गुणा करूंगा तो बच जाएगा 120 बचेगा, ठीक है। चलो अब कुछ भी नहीं रह गया भाई क्वेश्चन में, ये बचा है 24 प्लस 36 माइनस, आप किस में करोगे, मैंने गलत उतार लिया क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं उतार लिया, सही दिया ये तो, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, तो 36 और 24 कितने हो जाएंगे, 36 और 24 हो जाएंगे अपने पास माइनस का 60, 36 और 24 कितने हो गए, ये प्लस का 60 हो गया अपने पास में, और माइनस कितना दिया, 120 दिया, तो माइनस का 60 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट, इसको नोट करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूं। चलिए इन सभी के सभी क्वेश्चंस को जल्दी से आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो और देखो जल्दी से। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लो भाई, यहां पर क्या दिया है, अब देखो ये हम लोगों को है ना फ्रैक्शन में दिया, भिन्न में दिया हुआ है, भिन्न में, ठीक है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। देखो अभी मैं क्या है आपको सिंप्लीफिकेशन का डायरेक्ट बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके जब मैं वीडियोस बनाऊंगा ना तो सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, अंश, हर, एलजीएम, एससीएफ, ठीक है, ये जितनी भी चीजें होती है ना इन सारी चीजों को हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना दिया भाई, 3/2 का गुणा मुझे करना है किसमें, 11/5 में, ठीक है। अच्छा भाग लगाया हुआ है किसमें, इस वाली संख्या में भाग लगाया हुआ है, इसको पहले काट कर देख लो, 5 से तो 5 टाइम कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा 4 टाइम, यानी कि ये बचेगा अपने पास 5/2 कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर भाग लगाया हुआ है किसका, 33/ किसका लगाया हुआ है, 15 का, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आपको वीडियो शुरू होते ही इस तरह का करवाया था कि जब भी इस तरह से भाग लगे हुए दिखे तो यहां से लेकर यहां तक सॉल्व किया जाता है, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट तक सॉल्व किया जाता है उसको, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर सॉल्व किया जाएगा। तो बस मुझे करना क्या है, अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। अब ध्यान से देखो जरा यहाँ पर कितना दिया है, 3/2 गुणा किसमें करूंगा मैं यहाँ पर, 11/5 में। अब एक बात देखो जरा, कई लोगों को दिक्कत आती है कि अगर मुझे यहाँ पर जैसे मान लो 3/4 भाग लगाया हुआ है 2/7 में लगाया हुआ है, तो इसे लिखूंगा मैं कैसे, इसे लिखने का तरीका होगा हमारा 3/4
अब जब ये जो मेरा नीचे आएगा भाग होगा तो इसको आप ऐसे गुणा मान लिया करो और वैल्यू को पलट दिया करो, ठीक है। तो सात बटे क्या कर दिया करो, दो कर दिया करो। आया समझ में? फिर से समझ लो, अगर भाग लगा हुआ है तीन बटे चार में, ठीक है, तो क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा चार बटे किस में, तीन में। इसे इस तरह से कर दिया करो, साइन जो होता है ना भाग का उसे चेंज कर दिया करो, बदल दिया करो किसमें, गुणा में, और नीचे की वैल्यू को ऊपर ले जाया करो। बस इतना सा हमें करना है, यानी कि मैं क्या करूंगा, साइन को मैं चेंज करूंगा, क्या हो जाएगा, गुणा, इस वैल्यू को पलट दूंगा, कितना हो जाएगा, चार बटे हो जाएगा पांच। यहां पर दिया है भाग, इस भाग को किसमें लिख दूंगा, गुणा में, और इसको मैं पलट दूंगा, कितना हो जाएगा ये, पंद्रह बटे कितना हो जाएगा, तैतीस हो जाएगा ये, ठीक है। पंद्रह बटे कितना हो गया, तैतीस हो गया। इसको मैं मिटा दूं जरा, चलो अब यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब तो कुछ भी नहीं बचा भाई क्वेश्चन में, अब तो सीधे सीधे मुझे आंसर निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर काट दो इसे, काटोगे इसे कैसे, तीन ग्यारह से काटोगे इसे आप तीन से, तो तीन से ये तीन कट गया, ठीक है। अच्छा पाँच से काटोगे तो ये तीन टाइम कटेगा, ठीक। तो चार या बारह, बारह बटे दस बच रहा है, बारह बटे कितना बच रहा है, दस, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, छः बटे पाँच आंसर आ गया आपका, छः बटे पाँच आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे, अब ये जो क्वेश्चन देके रखा है देखो, लेंथी है, बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन अब देखो जोड़ना तो पड़ेगा ही हमें इस चीज़ को, इसे जोड़ो फटाफट। तो आठ और छः कितना हो गया, चौदह, चौदह और दो कितना हो गया, सोलह, सोलह चार कितना होता है, बीस, बीस का हो गया जीरो, यहाँ लगा दूंगा मैं, ठीक है। पाँच और दो होता है सात, सात और तीन कितना होता है दस, दस और पाँच होता है पंद्रह, पंद्रह और एक कितना होता है सोलह, सोलह का छः यहाँ लगेगा एक, सात और एक आठ, आठ चार बारह, बारह पाँच कितने होते हैं सत्रह, सत्रह और आठ कितना होगा अपने पास में, पच्चीस होगा, यानी कि टू फाइव सिक्स जीरो, इतने पूरे को जोड़ लिया हमने, कितना आ गया, पच्चीस साठ आ गया। फिर इसके बाद हमने भाग लगा दिया, इसको जोड़ लो जरा, कितना दिया 40, 40 और 3 70, 40 और 3 70, 70 और 20 कितने हो गए 90, 90 और 4 कितने हो गए, 3 और 1 4 भी तो जोड़ना है, 94 हो गया, यानी कि 94 हो गया, ठीक है। अच्छा 94 माइनस का यहाँ पर क्या किया है, वाई भी किया हुआ है, जो किसके बराबर हो रहा है, 32 के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, 2560 लिख दो, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इस भाग को इसमें डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ये जो 32 दिया हुआ है मुझे, ये जो मुझे 32 दिया हुआ है, इस 32 को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 32 और भाग लगाया हुआ है किसका, 94 माइनस का वाई मुझे दे के रखा है। अब कुछ भी नहीं करना, 32 से मैं काटूंगा तो 16 दुनिया कितने हो गए, 32, ये तो आपको 16 का वर्ग याद होना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा 160, और काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ये, ठीक है 80। इसे कस्टू कितना बचा है, 94, 94 माइनस कितना बचा है, वाई, तो यानी कि अगर मैं ध्यान से देखो उसे, वाई उधर ले आता हूँ, तो वाई किसके बराबर हो जाएगा, वाई हो जाएगा माइनस के 14 के बराबर हो जाएगा, सही कर रहा हूँ ना। अच्छा इसको इस साइड ले आता हूँ मैं, तो बचेगा 14 बचेगा, जो कि आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, दिख रहे हैं खतरनाक वो, लेकिन है नहीं एक्चुअल में वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे में, ठीक है। चलो इसके बाद में इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा क्या है। अब देखो ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। घनमूल क्या होता है इसका, 343 का मुझे पता है सात होता है, सात बटे कितना हो गया, छः हो गया। इसका कितना होता है, ये होता है भाई छः बटे कितना हो गया, चौदह हो गया, गुणा कर दूंगा। अच्छा इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, इसका क्या निकलेगा, 22 निकलेगा, ठीक है 22, और ये कितना होता है 88, ठीक है गुणा में कर दूंगा वाई बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। काटना ही तो है बस इसको, 6 से 6 काट दो यहाँ पर, 22 से काटूंगा तो 4 टाइम कटेगा, और यहाँ पर 7 से काटूंगा तो 2 टाइम, तो 4 और 2 कितना हो गया, 4 दुनी कितना होता है 8 हो जाएगा यहाँ पर, सही काटा है ना मैंने, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, 7 हो गया, 7 बटे 6 हो गया, उसके बाद में कितना हो गया, 6 बटे कितना हो गया, 14 हो गया ये, ठीक। उसके बाद में 22 बटे 88, 22 से मैंने काट दिया 4 टाइम, ठीक है 6 से मैंने 6 को काट दिया, 7 से मैंने काट दिया, 2 को मैंने काट दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बचा है 8 बचा है, तो यानी कि 1 बटे 8 बचा है, कहाँ लिख दूँ मैं, यानी कि y के गुणे में 1 बटे कितना बचा है 8, जो किसके बराबर है 17 के बराबर में है ये, ठीक है 17 के बराबर में, 17 अट्ठे कितने होते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना, 56 का 6 लगेगा 8 का 8 कितना हो जाएगा ये 136, यही आपका आंसर होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कैलकुलेशन रहती है, सॉल्व करते आनी चाहिए आप लोगों को। चलो इस वीडियो में आप देख लेना इसे अच्छे से, कैलकुलेशन को और करने की कोशिश करना, कहीं सही गलत हो गया हो तो तरीका हमें पता होना चाहिए, ठीक है तरीका हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी अगली वीडियो में मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। एग्जाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चलो तब तक के लिए भाई थैंक यू,
ये वीडियो को आप अच्छे से देखना।